सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हो बीजे ब्लॉग्स और आई होप कि आप अपने घर पे ही होगे, कहीं बाहर घूमने नहीं जा रहे होगे, बिकॉज एज यू नो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो चुका है। हम लोग का सिटी एंड पूरा पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन में है। सो जो जो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने बोल रहा है, प्लीज़ उसको फॉलो करो, बिकॉज बिना फॉलो करने से हम लोग उतना ही ज़्यादा लॉकडाउन में और जाते रहेंगे और हम लोग कहीं जा नहीं पाएंगे, अपने फ्रेंड्स फैमिली से मिल नहीं पाएंगे और अपने ही घर पे रहेंगे एक जगह, तो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप जितना जल्दी हो, जितना जल्दी आप मानोगे उन लोग का बात को और घर पे रहोगे, उतना जल्दी हम लोग क्योर हो पाएंगे और ज़्यादा जल्दी हम लोग घूमने बाहर निकल सकते हैं। तो बहुत जन बोलते हैं कि घर पर रह रहे तो बहुत बोर लगता है। बोर तो लगेगा एक टाइम में, ऐसा कुछ कोई ऐसा नहीं है कि इंजॉय करता रहेगा घर पर रह के, बोर लगेगा लेकिन फिर भी हम लोग को रहना है। तो आप बोर हटाने के लिए, जैसे कि मैं करता हूँ, मैं पबजी खेलता हूँ बहुत ज़्यादा, तो मेरा तो टाइम इसी में ही पास हो जाता है। और एज यू नो डायना लूसी है मेरे पास, एज पता है कि डायना लूसी है मेरे पास, तो मैं उन लोगों के साथ खेलता रहता हूँ, उनको थोड़ा सा सुबह और इवनिंग में वॉक पे ले जाता हूँ। एंड मेरे इधर जस्ट घर के साइड ही में दो दोस्त रहते हैं, उन लोग को बुला लेता हूँ, कैरम खेल लेते हैं। बिकॉज और हम लोग जब भी आते हैं, हम लोग मेन है देखो, उन लोग एक इस टाइप का मास्क पहना रहता है, मास्क पहना रहता है और हैंड सैनिटाइजर भी पूरा रहता है। हैंड सैनिटाइजर भी दूसरे रूम में है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। सो अभी मैं पबजी खेल रहा हूँ, आप लोग को दिखा देता हूँ, अभी मैं पबजी खेल रहा हूँ। तो चलो देखते हैं, इसके बाद मैं बताऊँगा आप लोगों को क्या करता हूँ मैं, क्या नहीं। और तब तक के लिए आप दो वीडियोस आए हैं, मेरे एक दीदी से है जो दोहा में रहती है, अभी तक वो इंडिया नहीं आ पाई बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस, क्योंकि उसको उधर काम है। सो आप उनका वीडियो पहले देख लो। Hello guys, I am Pooja and I live in Doha. I want to give you a quick update about Doha. Currently everything is in lockdown. We are not allowed to go out. We are only allowed to go out to pharmacy and grocery. There are cops all around and they're roaming, and sorry, this is for the namaz timing, so that's how you can hear that I live in Doha. So just stay safe and just be at your place and take care of each other, take care of family, wash hand regularly. And I'm taking precaution and I want you guys also to take precaution and stay home and stay safe. Hashtag stay home, hashtag stay safe, hashtag love from BJ Blocks. So I hope guys आप लोग को अच्छा लगा होगा। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने बाइक के पास, रुको आपको दिखाता हूँ। सो अभी मैं फिलहाल मैं अपने बाइक के पास जा रहा हूँ, बिकॉज मैं बहुत दिन से अपने बाइक को निकाला नहीं हूँ। ऐसी पर देखो, बाइक यूज़ नहीं होने से क्या हो, पर उसको पूरा क्लीन रखा हूँ मैं। तो आप भी अपना कुछ भी बाइक, साइकिल या फिर स्कूटी जो भी है, उसको साफ हमेशा रखा करो, बिकॉज जितना आप ज़्यादा अच्छे से केयर करोगे उतना अच्छा है, वो चलेगा और उतना दिन तक वो आपके साथ रहेगा। सो देखते हैं चालू होता है कि नहीं, फ्यूल ऑन करते हैं। और हाँ, हर 3 दिन में एक बार आप इसको ज़रूर चालू कीजिएगा अपना गाड़ी को। ओह, चले नहीं हुआ। तो गाइस, जब तक ये थोड़ा वार्म अप हो जाता है, तब तक आप और एक वीडियो देख लो, जो मेरा भाई इधर ही 3 किलोमीटर रहता है फिर भी मैं उसके घर नहीं जा पा रहा हूँ, तो आप उसका वीडियो एक बार देख लो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हिमांशु नायक, एंड मैं आज ये बता रहा हूँ, ये लॉकडाउन को पीरियड को प्लीज़ इसको मानिए, बिकॉज हम लोग जो सोच रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है, जो USA बार बार बता चुका है, इटली बता चुका है, ये सारे चीज़ों के बारे में। प्लीज़ डोंट डू दिस एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड अपना खुद का ख्याल रखो, खुद का घर वालों का ख्याल रखो, वॉश योर हैंड रेगुलरली, 20 सेकेंड्स तक वॉश करो अपने हाथों को, एंड प्लीज़ बी सेफ। एंड ये जो सोच रहे हो आप कि मुझे कुछ नहीं होगा, यही सबसे बड़ा पॉइंट है जो हमारा सोच है। अगर ये सोच को चेंज करोगे तो डेफिनेटली कुछ नहीं होगा, बट अगर हम लोग यही सोचेंगे कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो ऐसे 100 लोग सोचने लगेंगे तो फिर और बढ़ते जाएगा। सो प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट दैट कि मुझे कुछ नहीं होगा, ये सोचना बंद करो एंड अपना अपना घर पे बैठो, अपना अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट बट स्टे एट होम, हैशटैग स्टे होम स्टे सेफ, हैशटैग लव फ्रॉम बीजे ब्लॉग्स। थैंक यू।
सो गाइज, जस्ट अभी मैं सो के उठा और ये रहा डायना और ये रहा लूसी। इन लोग का वॉक का टाइम हो गया है, सो इन लोगों को मैं एक शॉर्ट वॉक पे ले आता हूँ, बिकॉज उन लोग सब बाथरूम एंड ऑल स्विच एंड ऑल। उन लोग ऐसे ही जस्ट थोड़ा, इन लोग डॉग से मेन क्या होता है, इन लोग को ज़्यादा घर पर रख नहीं सकते, ऊपर से इन लोग जर्मन शेफर्ड्स है, तो इन लोग घर पर रहेगा नहीं। तो मैं अभी इन लोग को वॉक पर लेके जाऊँगा। और सबसे मेन टॉपिक ये है कि ये वीडियो बनाने का मेन यही रीज़न था कि आप लोग को बताना था कि प्लीज़ आप लोग घर से मत निकलो और प्रोटोकॉल को फॉलो करो। बहुत जन बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, बट फिर हो जाने के बाद क्या 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 करोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे। और ये जो डिजीज़ है ये एक से दूसरे को फैल रहा है, सो आप प्लीज़ घर पे रहो और जो जो गवर्नमेंट बोल रहा है वो मानो थोड़ा दिन के लिए, और फिर बहुत जल्दी हम लोग ये डिजीज़ को क्योर कर लेंगे और ओवरकम कर लेंगे। और इसको देखो, ये लोग घूमने के लिए भी से पागल हो रहा है। और बहुत जन पूछ रहे थे मेरे से कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ कि नहीं ये क्वारंटाइन डेज में। मैं कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ। ये एक टाइप का रेस्ट है, आप लोग भी अपने आप को रेस्ट दो हर टाइम। अगर आप वर्कआउट हर टाइम अगर जो भी आप कर रहे थे तो उससे आप बचो। मेन मेन मोटिव यही है कि आप थोड़ा रेस्ट दो अपने आप को, खुद को भी थोड़ा रेस्ट दो। बिकॉज खुद को अगर आप रेस्ट दोगे नहीं तो कैसे होगा? आपका बॉडी अभी टाइम है, आप अपना बॉडी को रेस्ट अच्छे से दे सको। जितना आपका अंदर जो केमिकल्स एंड ऑल, जैसे कि हम लोग प्रोटीन्स लेते हैं, क्रिटीन लेते हैं, जितना भी सप्लीमेंट्स हम लोग का अंदर, वो सब वॉश आउट कर लो। कुछ मत दो, घर का खाना खाओ, जितना मन है खाओ, दबा के मोटा होना है हो जाओ मोटा, कुछ प्रॉब्लम है मोटा होना हो जाओ मोटा। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला ना, ज़िंदगी आपकी ऐसी भागने वाली है ना, ऐसे भागने वाली है, ऐसे भागाने वाले हैं ना हर एक चीज़। अगर आप स्टूडेंट हो तो टीचर ऐसे भगाएंगे, एग्जाम्स के प्रेशर इतना होने वाला है। तो अभी से ही आप लोग कुछ ना कुछ करते रहो, अभी अभी लाइफ पर इंजॉय कर लो जितना छुट्टी मिल रहा है। हाँ, आप लोग होम वर्कआउट कर सकते हो टू कीप योरसेल्फ फिट। और हाँ, सबसे मेन बात है कि आप अपने लिए एक तो हैबिट अभी चुन लो और उसके ऊपर काम करो। मैं अपना फ्री टाइम जो है, मैं खाली सोता खेलता नहीं हूँ। मैं एक नया ऐप पे भी काम कर रहा हूँ, मतलब एडिटिंग ऐप, जिसमें मेरे जो ये एडिटिंग स्किल्स उसमें ज़्यादा बेटर हो सकते, क्योंकि मैं जो अभी फ़िलहाल जो एडिटिंग ऐप यूज़ करता हूँ मेरा वीडियो एडिट करने के लिए, उसमें इतना ज़्यादा चीज़ नहीं है। जैसे कि अगर एक फुल वीडियो उसको मेरे को बीच में जैसे स्लो करना है और हटाना है तो मेरे को क्रॉप करते रहना पड़ेगा। बट उसमें क्या है ना, मैं बीच ही में कर सकता हूँ स्लो, और वैसे उस टाइप का कुछ नया है। सो वही चीज़ मैं अभी सीख रहा हूँ फ़िलहाल, जो कि थोड़ा टफ़ है, तो मेरे को टाइम लग रहा है, मेरे को ये टाइम है मिल गया है सीखने का, तो जैसे मैं वही सीख लेता हूँ और बाकी टाइम मैं इंजॉय कर रहा हूँ, रेस्ट दे रहा हूँ अपने आप को। सो आई होप कि आप लोग भी रेस्ट अपने आप को दीजिए और बाहर मत निकलिए जब तक ये क्वारंटाइन ख़त्म नहीं हो जाता। बहुत जल्दी लॉकडाउन ख़त्म होने वाला, तब आप लोग घूमिएगा आराम से, और एक बार ये डिजीज़ क्योर हो जाए उसके बाद तो आप आराम से ही घूम सकते हैं। सो हैशटैग स्टे होम, हैशटैग स्टे सेफ, और हैशटैग लव फ्रॉम बीजे ब्लॉग्स। बस हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं वो सब सेफ रहे और हैप्पी रहे विद देयर फैमिलीज। आप अपना ख्याल रखो, अपना फैमिली का भी ख्याल रखो। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।